सो वी आर डूइंग 500 रुपीज फूड चैलेंज. तो काफी बार ऐसा हुआ आप लोगों ने बोला स्ट्रीट फूड हम जहाँ पे खाते हैं काफी एक्सपेंसिव है, तो हमने एक चैलेंज दिया कि 500 रुपए में दो बंदे खा सकते नहीं खा सकते, एक रेस्टोरेंट में बैठ के, एयर कंडीशन रेस्टोरेंट, गुड एम्बियंस, गुड फूड एंड एवरीथिंग नाइस, 500 रुपए दिल्ली के अंदर. लेट्स सी खाने में क्या क्या आता है 500 रुपए में. तो हम लोग अपनी लोकेशन पे आ गए, इट्स रेनिंग, ज्यादा टाइम लगा हुआ, अंदर चलते हैं. योलो 21 में, दैट्स द ओनर ऑफ योलो 21, सुक्रीत. हाय सुक्रीत, हाउ आर यू? वेरी वेल, हाउ आर यू निखिल? ऑल गुड. आज मैं आपको खाना खिलाने जा रहा हूँ आपके रेस्टोरेंट में, तो सुक्रीत विल जॉइन मी. सो हम लोग योलो आए हैं एंड वी आर टेकिंग द 500 रुपीज चैलेंज. तो 500 रुपये में देखते हैं इनके मेन्यू में से हम लोग क्या क्या चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं. तो 500 रुपये में 5% GST भी होता है एंड हम लोग अराउंड आई थिंक 475 रुपीज़ तक का ऑर्डर कर सकते हैं प्लस GST. डू यू थिंक सुक्रीत आपका रेस्टोरेंट है, डू यू थिंक 500 रुपये में हम आपके रेस्टोरेंट से कुछ खा पाएंगे या फिर हम दोनों भूखे जाएंगे? 100% पूरा ऊपर तक फुल होके जाओगे, ऊपर तक फुल होके जाएंगे, इनका पूरा कॉन्फिडेंस है. तो एक मैं तीखा पनीर टिक्का हाफ पिज्ज़ा लूँगा एंड साथ में स्पिनेज ग्रांडे पिज्ज़ा, इसमें फेटा चीज़ आता है राइट. एंड इन्होंने कुछ चाइनीज इंट्रोड्यूस करा है, ओरिएंटल मील कॉम्बोज एट 199. लेट्स गो विद चिली चिकन. लेट्स गो विद चिली चिकन. तो इस चिली चिकन कर दो. एंड इफ यू वांट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग वी कैन गो विद नूडल्स इंस्टेड ऑफ राइस, हाका नूडल्स. ओके चलो हाका नूडल्स कर दो आप. एक कोक की जगह है डाइट कोक ले रही, क्योंकि हम पंजाबी हैं, हम लोग हैवी खाने के बाद डाइट कोक जरूर पीते हैं. क्या बात है, क्या बात है. तो 500 रुपये मतलब बेसिकली 480 रुपये में जो आया हमारे पास वो हम देखते हैं. ये पिज़्ज़ा हाफ एंड हाफ वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, दिस इज़ द पनीर पिज़्ज़ा, दिस इज़ द फेटा चीज़ पिज़्ज़ा विद स्पिनच, इनको थोड़ा सेट करते हैं. प्लस हमारे पास एक हाका नूडल्स है, किमची सैलड है, अपना चिली चिकन है एंड कोक एक है जो हम दोनों शेयर कर रहे हैं. चीयर्स. तो खाना शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल. वाओ, दिस लुक सो ग्रेट. तो अब चाइनीज देखते हैं. पिज्जा तो हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए, ये सुप्रीम मेगा से आपका पड़ा है, मैं अपना आधा पिज्जा खा चुका हूँ. तो पिज्जा खा के फुल हो गए, चैलेंज को ज्यादा बड़ा हो गया यहाँ पे आपके. यहाँ पे मेरे 250 रुपए चैलेंज होना चाहिए, ऊपर तक फुल करना है, ऊपर तक फुल करना है. मैं तो आधा पिज्जा खाने के बाद ही मेरा मन फुल हो गया, मेरे ख्याल से 250 रुपए ही बोलते. तो सुक्रीत जब तक अपना स्टाफ को देख के आते हैं, मैं आपको ऑनेस्ट फीडबैक देता हूँ, उनके आगे देना शायद थोड़ा बहुत ठीक ना लगता. मैं आज यहाँ पे 4-5 साल से रहूँ जब से ये स्टोर खुला हुआ है. इट्स अ रेगुलर प्लेस वेयर आई विजिट, क्वालिटी फूड है, इट्स ऑलवेज सर्विंग गुड क्वालिटी फूड एंड आई न्यू कि चैलेंज कुछ यहाँ पे हमारा कामयाब रहेगा, बिकॉज आउट ऑफ एक्सपीरियंस ही मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. द फूड की अगर बात करूँ तो पिज़्ज़ा वॉज एक्सेलेंट, इस प्राइस सेगमेंट में इतना बढ़िया पिज़्ज़ा मेरे ख्याल से कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी देती. आपने अगर इससे अच्छा पिज़्ज़ा आपने देखा है कि उसमें फेटा चीज़ भी है जो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, आपको लगता है कि इससे बेटर पिज़्ज़ा इतने कम दाम में कहीं मिलता है तो ज़रूर कमेंट करो. मेरे हिसाब से दिल्ली में तो कहीं नहीं मिलता होगा सिवाय GDB नगर कुछ रेस्टोरेंट्स को छोड़ के. एंड जहाँ तक हम चाइनीज़ की बात करते हैं, 200 रुपीज़ का जो ये कॉम्बो था, इट वॉज यू नो अगेन वेरी वेरी नाइसली डन. नूडल्स थे, नूडल्स में सिरका इतना नहीं था, चिली चिकन वॉज क्वाइट बैलेंस इन द फ्लेवर्स. तो ओवरऑल फूड रेटिंग दूँ तो इट वॉज अराउंड 8.5 out of 10. एंड अगर इकोनॉमिक्स की बात करूँ जो हमारा टारगेट मिला तो 10 on 10, मतलब फुल इकोनॉमिक सीइंग एवरीथिंग एल्स. सर्विस अगेन आई वुड से कि अगर सुक्रीत नहीं भी होता मेरे साथ, मैं काफ़ी बड़ा खेले भी आता, तो सर्विस इज़ अगेन 10 on 10. सर्विस की यहाँ पर मुझे कभी कमी नहीं लगती, दिस इज़ कमिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस टू विजिट दिस प्लेस फॉर द लास्ट 4 years.
तो अब बिल मंगवाते हैं और देखते हैं क्या है। कितने मिनट साथ लंच करें वो कहाँ पे सर? तो गए गए यस। तो बिल गए सर आपके कब? अपने रेस्टोरेंट में आपने सिखाया है कुछ दूर दूर जाना। ये भी ठीक है ना, तो एटलीस्ट फॉलो तो करना है। क्या सिखाया है निखिल भाई? नहीं मुझे दूसरा कहता था एक्चुअली, तो बिल का आप ही दे देना। चैलेंज तो 500 रुपये का था लेकिन देने का तो नहीं था, बिल आप ही दे दो। और अगर जितने भी ये दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड शेयर दिस वीडियो। एंड यू कैन ऑल्सो, नेक्स्ट जो चैलेंज है वो 2000 रुपये का है, तो लेट्स सी 500 रुपये का अच्छा लगे तो मैं 2000 का भी चैलेंज वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक्स और व्यूज़ आए, आई विल टेक दैट 2000 रुपीज़ चैलेंज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एच एम एम।